हेलो गाइस, मैं नमन लक्की और मेरे यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। तो ये मेरा मोबाइल रियलमी X2 Pro है, अब देख सकते हो 8 GB और 128 GB रेंज में है। सेम 855 प्रोसेसर है इसका। तो इसमें हम गेम प्ले टेस्ट करने वाले हैं। इसके ग्राफिक देखना चाहते हो आप तो 90 FPS सपोर्ट करता है। मैं एक्सट्रीम पे खेलता हूँ। कंट्रोल्स ये देख सकते हो, 4 निकल हुआ है और सेंसिटिविटी आप देख सकते हो, कस्टमाइज भी है। चलो गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। छुटकी इसमें चला देते हैं। स्टेशन चेयर से कुछ तो दिखा नहीं मेरे को। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। FPS भी दे रहे थे अच्छे, देखते हैं इस पर कितने FPS देता है। देख रहे हो FPS 60 है, 50 है, 60। FPS ड्रॉप होता है पर मोबाइल में लगता नहीं FPS ड्रॉप हो रहे हैं या फिर कोई लैग हो रहा है। फ्रेम ड्रॉप तो होते हैं बंदे आने पर, वो लेग नहीं होता और वो होना भी चाहिए क्योंकि बंदे आएंगे तो पता चलेगा ना। वो तो भाई मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ा छोटा है तो यार उसको सपोर्ट कर दिया थोड़ा बहुत। ज़्यादा नहीं, ओनली 50 लाइक का है मेरे वीडियो पे, तो आप प्लीज़ पूरा कर दीजिए। क्या ही करें यार, वरना अच्छी था। चलो कोई ना, एक लास्ट गेम प्ले और देख लेते हैं और फिर बताता हूँ क्या सच चाहिए इसके मोबाइल की। इतना अच्छा गेम प्ले भी नहीं है मेरा तो, नो भी हूँ मैं। चलो देखते हैं इस बार क्या होता है। और आप देख रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही है, फिर भी वो लेग नहीं दिख रहा है। वैसे अच्छा प्रोसेसर है 855 प्लस गेम प्ले खेलने के लिए। प्रोसेसर अच्छा है पर मोबाइल के अंदर वही स्टेचू बताऊंगा मैं आपको। 90 FPS में क्यों नहीं खेलता, क्या प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, उसे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखते हैं सर क्या होता है। फिलहाल अभी तो कोई लैग वैग या कोई फ्रेम ड्रॉप अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि उतरते सीधे फाइट ही हो रही है।
लो भरते हैं बंदा को। वो ले गए नहीं दिख रहा अभी तक। अच्छा गेम प्ले चल रहा है भाई। ये क्या था, मतलब मैंने इसको गोली नहीं मारी, नहीं मरा। चलो बात करते इसके गेम प्ले की। तो इसमें हीटिंग होने के बाद में लैग होता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और लास्ट में लास्ट के जोन में जब बंदे ज़्यादा बसते हैं तो भी लैग होता है इसमें। और वैसे अगर आप वो ठंडी छाव में या एसी में या कूलर के सामने बैठ कर खेलते हो तो कोई लैग नहीं मिलता, बैटर पर जाता है, चाहे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो चाहे कुछ भी करो। पर जब ये हीट होने लगता है तो इस चीज बैटर प्रॉब्लम लैग होने लगता है। और 90 FPS इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इसमें कम ब्राइटनेस पर खेलते हैं तो 90 FPS मिलता है। जैसे ब्राइटनेस फुल है तो इसको 0 से 5 इतनी ब्राइटनेस करेंगे ना तो 90 FPS मिलता है, पता है। और तो कुछ नहीं, अगर आप नॉर्मल गेमिंग करना चाहते हो इसका कैमरा बहुत अच्छा है, बैटरी भी चार्जिंग बहुत अच्छी है, 25% हो जाती है। और देखो अभी 90 FPS मिलेंगे हम ब्राइटनेस पे, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, और बस नॉर्मल यही थी। अगर आप फिर भी मोबाइल लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ा अच्छा मोबाइल है। देखो अभी आप पीस देखना, देख देखो 90 FPS मिलेगा, 110 FPS भाई, मज़ा आता है। बस यही था आज की वीडियो में, प्लीज़ आप आपका सपोर्ट बनाए रखना, और ज़्यादा नहीं 50 लाइक्स का एमएस पे पूरा कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।